भारत और इंग्लैंड के मैच में सट्टा लगा रहे दो सटोरिये गिरफ्तार। 1,72,000 रुपए, मोबाइल समेत सट्टा पर्ची हुई जब्त। ये सटोरिये क्रिकेट मैच में लगा रहे थे सट्टा। भले ही हिंदुस्तान से हजारों मील दूर इंग्लैंड में भारत इंग्लैंड 2020 क्रिकेट मैच चल रहा हो, लेकिन रीवा शहर में सटोरिये जीत हार का दाम लगा रहे हैं। बिछिया थाना पुलिस ने शहर के चिरौला मंदिर के पास छापा मारकर दो सटोरियों को हिरासत में लिया है। ये सटोरिये भारत इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,72,000 रुपये, 6 मोबाइल, टीवी और कनेक्टर जब्त किए हैं। पुलिस को इनसे कई सट्टा पर्ची भी प्राप्त हुई हैं। पकड़े गए आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा और गुंजन सिंह इस गोरख धंधे में लंबे समय से लिप्त हैं। धर्मेंद्र ने सट्टा एक सिंधी से सीखा था और उसके बाद मोबाइल, मेल और उधारी की रकम के जरिए सट्टा खिलवाना चालू किया था। इस कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह का अहम रोल रहा। नगर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। दिनांक 8 जुलाई को हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चिरौला मंदिर के पीछे कोई गोपाल नगर है, वहाँ पे धर्मेंद्र कुशवाहा है, उनके घर में क्रिकेट मैच को लेकर के सट्टा हो रहा है। इस सूचना पर हमने जो है थाना प्रभारी बिछिया श्री अवनीश पांडे और उनके साथी स्टाफ के साथ हमें वहाँ पे छापा मारा था, और छापा मारने पर हमें वहाँ हमने देखा जा करके वहाँ पर दो लोग, एक धर्मेंद्र कुशवाहा और एक मंगल सिंह करके दो लोग वहाँ पर मौजूद थे। दो लोग ये सट्टा खिलाने की कार्रवाई मोबाइल के माध्यम से कर रहे थे। मौके पर हमने उनसे 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं, एक टीवी सेट जब्त किया है, एक एयरटेल टीवी का सट्टा बॉक्स जब्त किया है। इसके अलावा 1,72,640 रुपये नकद जब्त किए हैं और सारे उपकरण टीवी सहित और टीवी को जोड़ने वाले कनेक्टर वगैरह वगैरह करके पूरे उपकरण एवं पर्चियाँ बहुत सारी हमने जब्त की हैं, जिनमें से प्राय है सभी चीज़ें आपके सामने। कल का जो रेट था वो 3600-3800 का था। अगर इंग्लैंड जीतती मैच तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आपको 3600 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन अगर इंडिया मैच जीतती तो आप अगर 3800 रुपये लगाते तो उसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिलते। इस तरह हमारे सट्टा बाजार में कल संभावना जो थी वो इंग्लैंड के जीतने के पक्ष में थी, इसलिए इंग्लैंड का रेट कम था, इंडिया का रेट ज़्यादा था। इंग्लैंड था वही निकाली थी बस। इसमें कितना मुनाफा हो जाता है? अरे सर मुनाफा तो नहीं बोला के नुकसान है। इनका कहना ये है नहीं है सर, इसमें कोई मुनाफा का है वही रहता, मुनाफा होगा ही होगा। मैं समझा देता हूँ।